कमररा ही परचा है ओ भारी रे गोना लेना परचा है ए भारी ओ कैंसर जैसी काटे बेमारी कमर कला दारी रे रे घोड़ा ले रा हमारी वो पिया जी घर की नारी लागी बुढ़िया बात हमारी ये बने
नारी अर्ज कियो पतिदेव आपको आपको रोग दिनों दिन बढ़ रही है, डॉक्टर जवाब दे दियो अपने जन्म भूमि में चला परिवार में चला बसरारे में आ गया कंवर जी महाराज की धाम के नजदीक आ देखो पूरी कल्पना करी है गुजन ला रिया यो देव कौन सा है आगा भगत कौन सा है आगा परचा केड़ा है गांव का कुछ लोगों से आग्रह कियो है ओ कौन देव को देव रो कही जे कौन भगत उपकारी उपकारी
गोपी राम जी गोदारा महाराज की सेवा करें और बहुत भारी पर्चा है। शंकर ने भी मन में विश्वास हो, गांव का लोग कह रही है तो जरूर महाराज की महिमा अपरंपार है। घर आया, एक छोटी सी बच्ची ने भगजी महाराज के पास भेजी, जाओ और भगजी ने बुला के लियो। भगजी बड़ा उपकारी है। एक बच्चे की आवाज पर ही शंकर के घर पहुंच गया। बोल भाई शंकर, क्या रही इच्छा है? देखो भगजी नायोड़ा देखा, दुखा को पहाड़ टूट रहे हो, सुर्ग नेड़ा है, घर दूर है। डब डब नैन भर गया गुरुजी। गुरुजी भगवान रूठ गयो, दुकान का पार टूट गया, छोटा छोटा टाबर है। अर्जी कर रहे हो महाराज? अरे शंकर बता तो सही हो, काई क्यों रो रही हो? ओ भरनेनो मैं नीर शंकर घर क्यों लाचारी, ओ काया मैं मेरे कोड़ी लग गयो, कैंसर की बीमारी वो कम खर्चा है। Yeah.
घोड़ा लो कृपा करेगो, क्योंकि त्यारेगा भगवान उसे कौन मारनिया है, और मारेगा भगवान उसे कौन त्यारनिया है। शंकर सात दिन तक भगवान की दरगाह तेरू जिया चली जे भैया महाराज के कंवर जी महाराज का छून बरसा जा भगवान तेरो भलो कर। पहलो दिन आ गया, दूसरो दिन आ गया, तीसरे दिन रोग कटनो शुरू हो गयो, काया में संतुष्टि आ गई, दर्द बंद हो गयो, बड़ो खुशी है मन में। भगजी के अर्जी करी गुरुदेव, ओ शंकर लाल न्यू के वन ला गया, सुन लियो बात हमारी। धन्यवाद किया तो भाई, एक हाजरी महाराज के ठुकराने धाम भी लगाया, और देखो महाराज कैंसर जड़ा परचा दिया, समझ जी महाराज के परचा को पार नहीं पायो।